नमस्कार। राग रस बरसे इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है रागों के संक्षिप्त परिचय सहित रागों की स्वर मालिका और स्वर मालिका पर आधारित रचनाओं के आदर्श गायन को प्रस्तुत करती श्रृंखला राग रस बरसे। इस श्रृंखला में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा रचित रागों की स्वर मालिकाओं को आधार के रूप में लिया गया है। आइए संगीत की इस यात्रा में हम सब शामिल हो जाएं। प्रस्तुत है श्रृंखला राग रस बरसे। राग रस बरसे, राग रस बरसे, राग रस बरसे, राग रस बरसे, सगमा दा दा गमा नी दा मगर सा, राग रस बरसे, राग रस राग कालिंगड़ा। राग कालिंगड़ा की उत्पत्ति भैरव थाट से हुई है। इस राग में ऋषभ और धैवत यानी रे और ध ये दोनों स्वर कोमल तथा शेष सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह और अवरोह में सात सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इसका वादी स्वर पंचम यानी प है और संवादी स्वर षडज यानी स है। इसका गायन समय रात्रि का अंतिम प्रहर है। राग कालिंगड़ा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह। सा रे ग म प द नी सा। अब प्रस्तुत है अवरोह। सा नी द प म ग रे सा। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। ध प ग म ग नी सा रे ग म। अब प्रस्तुत है राग कालिंगड़ा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग कालिंगड़ा की स्वर मालिका की स्थाई। मा ग रे सा नी सा ग म प
अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। पाधा पाधा नी सा सारे सारे नी सा पाधा पाधा नी सा सारे सारे नी सा नी सारे गा 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 रे सा सा नी दा पा मा पा मा गा नी सारे गा 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 रे सा सा नी दा पा मा पा मा गा सा नी दा पा गा मा पा पा धा पा मा पा मा मा गा सा नी दा पा गा मा पा पा धा पा मा पा मा मा गा। अभी आपने राग कालिंगड़ा की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल है देखो दिनकर के अंतर की। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई। अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। रोज सवेरे आ जाती है रोज सवेरे आ जाती है न्यारा रूप न्यारा जगमग इसका रूप देखो दिनकर के अंतर की देखो दिनकर के आप प्रस्तुत हैं इसी रचना में सरगम के आलाप और तान।
इस राग की बंदिश को आइए एक बार फिर से सुनते हैं। इसका रूप न्यारा